सो गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल TST स्मार्ट टिप्स। दोस्तों अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं, अभी तक आपका चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है, आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए बट अभी तक आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो गाइज इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। अगर आपके पास में लैपटॉप या PC है तो गाइज मैं आप लोगों को आज ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप एक दिन में 800 घंटे तक इंक्रीज कर सकते हैं। आप जस्ट 5 दिन के अंदर अपने YouTube चैनल का 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखो, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उस मेथड को यूज करके मैंने अपना YouTube चैनल मोनिटाइज किया है और मैंने काफी पर्सन के चैनल को भी मोनिटाइज कराया है इसी मेथड को यूज करके। तो वीडियो को एंड तक देखो और जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना आपको, इससे एक भी घंटा आपका ड्रॉप नहीं होगा, ये 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने चैनल को मोनिटाइज किया है और काफी सारे चैनल भी मैंने पैड मोनिटाइज किए हैं। तो गाइस मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ ये मेथड जो मैं यूज करता हूँ जिसमें मैंने काफी सारे चैनल्स को मोनिटाइज भी कराया है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखो, जो भी मैं बताऊंगा आपको बस उसको अच्छे से फॉलो करना अगर आपके पास में लैपटॉप या PC है। और अगर जिन बंदों के पास में लैपटॉप PC नहीं है, खाली मोबाइल फोन है, तो उन लोगों के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप मोबाइल फोन से कैसे इंक्रीज करना चाहते हो वॉच टाइम। अगर आपके पास में मोबाइल फोन है, सिर्फ ओनली मोबाइल फोन, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपनी PC की स्क्रीन पर। अब देखो जो चीज मैं आपको बताता हूं आप लोगों को उस चीज को ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोगों को अपने PC के अंदर मल्टीपल क्रोम को क्रिएट करना। अब मल्टीपल क्रोम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक क्रोम ब्राउजर होगा तो आप लोग को उसको ओपन करना। अब जैसे ही आप लोग उसको ओपन कर देते हो, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को राइट साइड में कॉर्नर में यहाँ पर एक लोगो दिखेगा आपका, ठीक है। तो इस लोगो पर आप लोग को जस्ट क्लिक करना। क्लिक करने के बाद नीचे जाना। जैसे ही आप लोग नीचे जाते हो तो यहाँ पर आप लोग को एक ऐड का ऑप्शन मिलेगा प्लस वाला, ठीक है। तो आप लोग को ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अब जैसे ही आप लोग ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हो या फिर कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, इसके भी आप यहाँ पर बना सकते हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने क्रोम ब्राउजर का जो भी नाम देना चाहते हो तो वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हो। तो जितना भी आपका PC जितने भी क्रोम ब्राउजर को उठा सकता है, जैसे 30, 40, 50 जो भी उठा सकता है, उतने मल्टीपल क्रोम आप लोग को यहाँ पर बना लेने हैं। जैसा कि मेरा जो PC है वो लगभग 50 के ऊपर उठा लेता, 50 तक, तो मैंने यहाँ पर अभी 30 ही बनाए हुए हैं। तो मैं आप लोग के सामने क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर इसका नंबर डाल देता हूँ भाई, मैं यहाँ पर 31, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 31 डाल दिया। 31 डालने के बाद यहाँ पर आप लोग को डन पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग डन पर क्लिक करोगे तो हमारा जो एक क्रोम है वो बनकर तैयार हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला। अब सिंपली आप लोग को इसी तरीके से करते जाना, देख सकते हो आप यहाँ पर 31 में यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अब आप लोग को फिर से यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद नीचे जाना। नीचे जैसे आप जाओगे फिर से ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब फिर से आप लोग को यहाँ पर इसी तरह से मल्टीपल क्रोम को क्रिएट कर लेने हैं। अब एक बात और मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप विदाउट जीमेल के मल्टीपल क्रोम बनाते हो तो वहाँ पर आपका जो वॉच टाइम है वो कुछ ड्रॉप होता है। तो इसीलिए आप जितने भी मल्टीपल क्रोम बनाते हो उनमें आप लोगों को हर एक क्रोम ब्राउजर के अंदर अलग अलग जीमेल को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने पहले से यहाँ पर एक जीमेल को लॉगिन किया हुआ है। मैं आप लोगों को प्रोसेस बता दूँ आप लोगों को अपना वॉच टाइम कैसे इंक्रीज करना। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया, अब मैं सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करूँगा। आप लोग सर्च कर सकते हो, मैंने यहाँ पर पहले से यहाँ पर ऐड किया हुआ है यूट्यूब, ठीक है, आप लोग भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने जैसे यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर लिया, मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपनी जीमेल भी यहाँ पर लॉगिन की हुई है। आप भी कर लेना, क्योंकि अगर आप जीमेल को लॉगिन करके करते हो तो आपका जो वॉच टाइम है वो ड्रॉप नहीं होगा। अगर आप विदाउट जीमेल के करते हो तो आप लोगों को कुछ वॉच टाइम यहाँ पर ड्रॉप भी होता है। अब मैं जैसे लाइक मैं यहाँ पर अपना दूसरा चैनल यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, TST ग्रो। मैं आप लोग को लाइव प्रोसेस दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ। एंटर मारने के बाद यहाँ पर मेरा चैनल टॉप पर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, चैनल पर जाऊँगा। चैनल पर जाने के बाद जो भी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ आप लोग को उस पर जाना, ठीक है। वीडियो वाले सेक्शन में गया। अब थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा, लाइक मुझे इस वीडियो पर वॉच टाइम इंक्रीज करना तो कैसे करूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये ऐड चल रहा, बट अभी ये वाला चैनल मेरा मोनिटाइज नहीं है, यूट्यूब ऑटोमेटिक ही ऐड चला रहा है, ठीक है। अगर ऐड आता तो स्किप करना। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑटो प्ले का जो ऑप्शन है आप लोग को इसको ऑफ करना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद क्वालिटी में जाना और यहाँ पर आप लोगों को 144p पर क्लिक कर देना।
उसके बाद आप लोग को अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो लूप वाला ऑप्शन है, लूप वाले ऑप्शन को आप लोग को क्लिक कर देना। आप लूप से होगा क्या, जो हमारी वीडियो जब कंप्लीट ऑटोमेटिकली वॉच हो जाएगी तो ये कंप्लीट वॉच होने के बाद ऑटोमेटिकली दोबारा से प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग को अगला प्रोसेस कैसे करना, आप लोग को फिर से अगले क्रोम ब्राउजर के अंदर जाना, अगला ब्राउजर को ओपन करना, उसके बाद यूट्यूब को ओपन करना। YouTube को ओपन करने के बाद फिर से आप लोगों को क्या करना, अपने YouTube चैनल को यहाँ पर सर्च करना। जैसा कि मैं यहाँ पर दोबारा से आप लोग के सामने यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल को सर्च कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, और आप लोग को भी सर्च कर कर ही आप लोग को वॉच टाइम को अपने को इंक्रीज करना। अब जैसे सर्च किया, फिर से मैं यहाँ पर गया और चैनल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद वीडियो वाले सेक्शन में गए। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से इस वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। प्ले कर लिया, उसके बाद ऐड आता है तो भाई क्लोज कर देना, क्योंकि सभी चैनल पर अब तो ऐड चलता है जो नॉन मोनेटाइज भी होती है। उसके बाद सबसे पहले आप लोग को ये जो ऑटो प्ले का ऑप्शन, इसको ऑफ करना, ऐड को स्किप कर देना और यहाँ पर आप लोग को माउस का राइट बटन क्लिक करना एंड लूप को ऑन कर देना। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है, क्वालिटी पर जाना और यहाँ पर 144p पर कर देना। इसी तरीके से आप लोगों को अपने सारे क्रोम ब्राउजर के अंदर इसी तरीके से लाइन बाय लाइन चलाते रहना, आपकी वीडियो जो ऑटोमेटिक यहाँ पर प्ले होती रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या बताता हूँ, आप लोग जब अपनी वीडियो को कम्प्लीटली आपका जो वॉच टाइम मतलब कम्प्लीटली आप देख ले तो लगभग 10 से 12 घंटे तक अगर आपका रेगुलर चल जाता है, 40 से 50 टैब अगर आप चला लेते हो तो आप एक दिन के अंदर 800 से 900 घंटे तक इंक्रीज कर सकते हो, अगर आप 10 से 12 घंटे कंटिन्यू आप अपने पीसी को चला सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास में ऐसा मतलब पीसी या पावर वगैरह सारी चीज़ें इंटरनेट वगैरह है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही आप अपनी वीडियो को बंद करने के लिए जाओगे तो आप लोगों को करना क्या, वो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे कि इस वाले वीडियो पर आ चुके हैं, हम इसको ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक प्लस वाला न्यू टैब लेना है। न्यू टैब लेने के बाद आप लोगों को क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल एच दबाना है। ठीक है, कंट्रोल एच जैसे दबाओगे तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को अपनी क्लियर ब्राउज हिस्ट्री ब्राउजिंग डाटा पर चले जाना है। अब जैसे आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर ऑल टाइम सेलेक्ट करना है और बेसिक में जाना है, बेसिक में जाने के भी यहाँ पर ऑल टाइम सेलेक्ट करना है और नीचे के जितने भी ये यहाँ पर सारे जो सिंबल दिख रहे हैं आप लोगों ने पर सब पर टिक करना और क्लियर डाटा कर देना। उसके बाद आप लोग को YouTube को ओपन करना है। जब भी आप दोबारा से प्रोसेस करोगे तो दोबारा से YouTube को ओपन करना। अब जैसे ही आप लोग दोबारा से YouTube को ओपन कर लेते हो, ओपन करने के बाद यहाँ से भी आप लोगों को एक डेटा क्लियर करना होता है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो वॉच टाइम ड्रॉप होने में। ठीक है, अब वो कैसे करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ यूट्यूब में अपने सेकेंड दूसरी ब्राउजर में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम होम पर आ जाते हैं। होम पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री पर क्लिक करना। अब जैसे आप लोग हिस्ट्री पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो आप यहाँ पर क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री। ठीक है, वॉच हिस्ट्री यहाँ पर सारी हिस्ट्री है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लियर वॉच हिस्ट्री जो यहाँ पर आपकी ख़त्म हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर जो फिर से हम डाटा इस हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करना और यहाँ पर चले जाना। अब हमने क्या करा, हमारी जो हिस्ट्री है वो दोनों क्रोम की यहाँ पर रिमूव हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना प्रोसेस करना, हर क्रोम ब्राउजर के अंदर आप लोगों को इसी तरह से प्रोसेस करते जाना है और आपका जो वॉच टाइम है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका जो कंप्यूटर है, जो भी आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर, अगर आपका कंप्यूटर 40 से 50 टैब उठा देता है तो आप लोग एक दिन के अंदर 800 से 900 घंटे इंक्रीज कर सकते हैं और 5 ही दिन के अंदर आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं खुद से अपना वॉच टाइम कंप्लीट करके।